दोस्तों अगर आप भी ईशान किशन और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों ईशान किशन की बल्लेबाजी, उनका दोहरा शतक देखकर तो पूरी दुनिया हिल चुकी है, लेकिन उनके दोहरे शतक की गूंज पाकिस्तान तक पहुंची है और पाकिस्तानी दिग्गजों ने भी उनकी तारीफों के पुल बांध दिए। आखिरकार ईशान किशन के दोहरे शतक, उनके ऐतिहासिक पारी पर क्या बोले पाकिस्तानी दिग्गज, एक एक कर आपको उनका बयान दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, ईशान किशन और केएल राहुल व पंत में कौन एक बेहतर खिलाड़ी है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम वनडे सीरीज तो नहीं जीत पाई, लेकिन तीसरा वनडे मैच कुछ ऐसा भी रहा है कि उसे कोई भुला नहीं पाएगा। दोस्तों आपको बता दें कि दोनों वनडे मैच भले ही हारे, लेकिन तीसरे वनडे मैच में ईशान किशन ने चार चार लगा दिए, अपनी बल्लेबाजी से भी और अपने दोहरे शतक से भी। आपको बता दें कि इस मैच में हमें टॉस जीतने का मौका नहीं मिला फिर से, लेकिन पहले बल्लेबाजी जरूर मिली, जिसमें धवन तो फ्लॉप हो गए, लेकिन ईशान किशन एक ब्लॉकबस्टर साबित हुए। दोस्तों ईशान किशन ने इस मुकाबले में कोई 50 नहीं, कोई शतक नहीं, कोई 150 नहीं, बल्कि दोहरा शतक जड़ा। आपको बता दें ईशान किशन की इस दोहरी शतकीय पारी में उन्होंने पूरे 210 रन लगाए, 23 चौके और 12 छक्के। इतनी अद्भुत पारी दोस्तों पिछले एक साल में किसी भी खिलाड़ी द्वारा नहीं देखी गई। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोस्तों ईशान किशन ने इतिहास रच दिया, उनकी पारी के कसीदे पूरी दुनिया में पढ़े जा रहे हैं। आपको यह भी बता दें ईशान किशन ने मात्र 126 गेंदों के अंदर यह दोहरा शतक जड़ा, जो आज तक का दुनिया में सबसे तेज जड़ा दोहरा शतक में दूसरे नंबर पर आता है। दोस्तों इतना ही नहीं, ईशान किशन की पारी से मिले साहस के चलते विराट कोहली ने भी 3 साल के व्रत को तोड़ते हुए आखिरकार शतक चढ़ ही दिया। उनकी भी 113 रन की पारी देखने को मिली और भारत चढ़ गया सीधा 409 रन के पहाड़ पर। अब इतने बड़े पहाड़ पर भारत को चेज करने के लिए 410 रन बनाने थे बांग्लादेश को। जाहिर सी बात है उनकी हिम्मत आधे रास्ते में जवाब दे गई, क्योंकि हमारे गेंदबाजों ने उम्दा प्रदर्शन किया और हम 250 रन के ज्यादा के अंतर से इस मैच को जीतकर अपने नाम भी कर गए। लेकिन दोस्तों जीत के असली हकदार तो ईशान किशन है, जिनकी 210 रन की पारी ऐतिहासिक हो गई। और वाकई में इस ऐतिहासिक पारी पर अब तो पाकिस्तानी भी फिदा हो चुके हैं, लेकिन किस पाकिस्तानी ने क्या कहा है चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि शोएब अख्तर ने ईशान किशन के लिए लिखा, ये हुई ना बात भारतीय सिलेक्टर्स की, एक ऐसे खिलाड़ी को मौका दिया जो आगे बढ़कर ना जाने क्या कुछ कर सकता है। भारतीय क्रिकेट टीम में भारत देश में बहुत टैलेंट छुपा हुआ है, इस तरीके से दोहरा शतक 24 साल के खिलाड़ी ने लगा दिया, आज तक हमारे दिग्गज खिलाड़ी नहीं कर पाए कारनामा। आपको वाकई में सलाम है ईशान किशन और उम्मीद है आप ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। तो दोस्तों वहीं शाहिद अफरीदी ने भी ईशान किशन के लिखा, सालों बीत गए लेकिन किसी युवा को ऐसी बल्लेबाजी करते नहीं देखा था, वाकई में आपकी बल्लेबाजी चौके और छक्कों से भरा हुआ एक शो थी। आपकी बल्लेबाजी को मैंने काफी ज्यादा एंजॉय किया और उम्मीद है आप ऐसे ही आगे भविष्य में भी चमकते रहेंगे। तो दोस्तों इंजमा मुल्क ने भी ईशान किशन के लिए कहा, ईशान किशन आप एक ऐसे बल्लेबाज हैं जिन्हें मौके दिए जाएं तो आने वाले 6 से 8 सालों में आप इस सदी के सबसे बेहतर ओडीआई बैट्समैन बन सकते हैं। अब वक्त आ चुका है कि शायद रोहित शर्मा की काबिलियत को पहचान गए हैं और आपको सलामी जोड़ी में लगातार मौके मिलेंगे, यही हमारी दुआ है। आपकी पारी के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। तो वही दोस्तों आपको बता दें कि रमीज राजा ने तक अपने बयान में कह दिया, ईशान किशन जैसे खिलाड़ी लगता है कि पूरी दुनिया के लिए खतरा बन जाएंगे अगर इसी तरीके से के लिए खेलते रहे तो। आपकी बल्लेबाजी एक प्रतीक है उन युवा खिलाड़ियों के लिए जो क्रिकेट में कुछ करना चाहते हैं और वनडे क्रिकेट में ऐसी पारियां देखकर वाकई में मजा आता है। आप ऐसे ही बैटिंग करते रहिए। दोस्तों केवल पाकिस्तानी नहीं बल्कि दुनिया भर के दिग्गजों ने ईशान किशन के लिए टोकरा भर के बधाइयां भेजी हैं, उनकी तारीफ करी है, उन्हें एक बेहतर सलामी जोड़ी का बैट्समैन बताया है। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या बीसीसीआई को अपनी आंखों पर बंधी पट्टी को उतार कर वाकई में पंत की जगह ईशान को मौका देना चाहिए और एक बेहतर विकेट कीपर बैट्समैन को खिलाना चाहिए या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।